अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हाथ की लाइनों में अचानक प्रॉपर्टी मिलने और अचानक दौलत मिलने के कौन से निशानात होते हैं और लाइनों से कैसे पता चलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इसके बारे में पूछ रहे थे, तो इसलिए ये मैं उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी मिलने और अमीर होने में, अचानक दौलत में होने में, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो हाथ की शेप है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपके, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका हाथ है, आपकी हथेली पिंक होनी चाहिए। उबारे ज़ारा का, ये जो उबार है उसको उबारे ज़ारा का उबार बोलते हैं, ये प्रोमिनेंट, सही, मजबूत, बड़ा होना चाहिए। साथ ये उबारे कमर है, ये भी अच्छा खासा बेहतर होना चाहिए। इसी तरह ये मुश्तरी का उबार है, ये जहल का उबार है, ये सन शमस का उबार है और यह तारुत का उबार है। तो ये सारे उबार अगर ये सही प्रॉपर बने होंगे और आपकी हथेली पिंक होगी, लाइंस खूबसूरत होंगी आपकी, टूटी फूटी ना हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है कि आपको, अगर शुरू में दौलत नहीं मिली तो आपको 30, 40, 50 साल की एज में आपको बहुत बड़ी दौलत मिलने के जो ना चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो अंगूठे पर, ये जो मेरी, आप अंगूठा देख सकते हैं, ये जो आई बनी होती है, तो इसको बुदाई भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये उन लोगों के हाथ में होती है जिन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है, जिनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है और उनको आने वाले हालात का या कोई भी मसला हो, वो उसकी तह में बड़ी जल्दी पहुंचते हैं, और इनकी छठी इस बहुत तेज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली हो उसका भी इन्हें बड़ी जल्दी पता चलता है। तो ये बुदाई हो, आपकी हाथ में ये जो लाइनें हैं हाथों में, ये जो पोरों की, ये अगर ज़्यादा हो तब भी आपका अमीर हाथ होता है, चांस होता है कि आपके पास अचानक प्रॉपर्टी भी आएगी, दौलत भी आएगी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लाइंस की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये याद रखिए, ज़िंदगी की लाइन जितनी ज़्यादा गुलाई में होगी वो टूटी फूटी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा आपके पास दौलत मिलने के और बहुत अच्छी लाइफ गुजारने के चांसेस होते हैं। जितना ये उबार उभरा हुआ होगा, इसमें ऐसे लाइनें होंगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा दौलत मिलने के और आपके अमीर होने के और जो दुनिया की जितनी आशायत होती हैं वो भी मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़िंदगी की लाइन है, इसके साथ अगर अच्छी खासी बड़ी ये गार्डियन लाइन हो, ये भी इसके साथ ऐसे ही चले, इसको फ्रेंड्स, इसको लाइफ लाइन बोलते हैं। ये जो नए सीखने वाले हैं ना, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें, आज मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा, ये आप समझ लें, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जिसे उर्दू में ज़िंदगी की लाइन बोलते हैं। ये जो इसके साथ मैंने लाइन डाली है, ये ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है, आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी मसला हो, ये उससे आपको बचाती है, ये आपको दौलत भी दिलाती है, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी, अगर ये लाइन जितनी गहरी होगी और ज़िंदगी की लाइन के करीब होगी, इतनी आपको ज़्यादा दौलत मिलेगी, इतनी ही ज़्यादा आपको ज़िंदगी में, अगर खुदा ना करे आपका एक्सीडेंट होता है तो आपका बाल भी बिका नहीं होगा, बिल्कुल आप बच जाएंगे, खराश भी नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी दिलवाती है और ज़िंदगी को भी बचाती है, डिफेंस करती है ज़िंदगी को, बीमारी हो तो बंदा शिफायाब हो जाता है, बीमारी आती है लेकिन बंदा जल्दी उस रिकवर कर लेता है, अगर हादसा हो तो उसमें भी बंदा ज़ख्मी नहीं होता, बंदे की जान नहीं जाती। और नंबर तीन, ये ऐसे बंदे के पास जितनी ये लंबी लाइन हो, ऐसा बंदा के पास प्रॉपर्टी आती है और अचानक प्रॉपर्टी मिलती है, अगर उसे अवाइल उम्र में ना मिले तो 30, 40, 50 साल की एज में जाके उसको प्रॉपर्टी लाजमी बनती है। अब मैं आपको एक और निशान बताता हूँ, ये आप समझ लें, यहाँ पे इस तरह का मरब्बा, ये इतना गाढ़ा नहीं है, मैं आपको बना देता हूँ, ये इस तरह का अगर मरब्बा होगा तब आपके पास 100% प्रॉपर्टी भी आएगी और ये प्रॉपर्टी आपके पास ता जिंदगी रहेगी। क्योंकि अगर ये डब्बा ना हो, ये क्रॉस, ये स्क्वायर है, अगर ये ना हो तो अगर प्रॉपर्टी बंदे के पास आए भी तो वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर एक और स्क्वायर हो, इसके पास ऊपर एक और स्क्वायर बन जाए,
तो इनके अगर दो स्क्वेयर होंगे तो आपके पास दो प्रॉपर्टियां आएंगी, अगर तीन स्क्वेयर बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्लाजे के मालिक बनेंगे, और इस तरह इनके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, ये आपके दिमाग की लाइन है, ये वाली भी जितनी अगर स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, इतना बंदा बिजनेस माइंडेड होता है और इतना ही वो ज़्यादा पैसे कमाता है और उसके पास प्रॉपर्टी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ब्रेन लाइन है, ये मैंने बता दिया आपको, ज़िंदगी की लाइन है, ये ज़िंदगी की डिफेंस लाइन है, गार्डियन एंजल लाइन इसको बोलते हैं, गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी को बचाने वाली गार्डियन एंजल लाइन है, हादसों से बचाती है। और ये दिमाग की लाइन है, ब्रेन लाइन इसको बोलते हैं, ये इसको भी मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये ब्रेन लाइन है, दिमाग की लकीर। ये वो लोग जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपको लाइनों की समझ आ जाए कि कौन सी लाइन, उसका नाम क्या है। इसको ब्रेन लाइन उर्दू में दिमाग की लाइन बोलते हैं, और ये होती है आपकी हार्ट लाइन, ये छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है और ऐसे ये शहादत की उंगली की तरफ जाती है, तो ये आपकी हार्ट लाइन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी किस्मत की लाइन कौन सी होती है, तो जनाब लक लाइन जिसे किस्मत की लाइन बोलते हैं, ये यहाँ से शुरू होती है और उबारे जहर की तरफ जाती है, तो ये आपकी लक लाइन है। और ये जितनी लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, दिल की लाइन हो, दिमाग की लाइन हो, ज़िंदगी की लाइन हो, ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी आपको उसी वक्त मिलेगी या आपके पास ठहरेगी जब आपकी ये लाइनें टूटी हुई नहीं होंगी, और स्पेशली किस्मत की लाइन और ज़िंदगी की लाइन ये नहीं टूटी होनी चाहिए। तो ये आपकी दिल किस लक लाइन है, इसको भी मैं डिक्लेयर कर आपको बता देता हूँ, ये आपकी लक लाइन है, किस्मत की लाइन या लक लाइन, लक लाइन, ये आपकी किस्मत की लाइन है। और मैं अब आपको सबसे बड़ी जो निशानी होती है जिसे बोलते हैं सन लाइन, अगर ये हाथ में ना ना हो तो ये किस्मत की लाइन भी फिर बेकार हो जाती है। आपको सही मानों में फ़ायदा होता है, आम तौर पे सन लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये शम्स का जो उभार है यहाँ पे इसका एंड होता है, जहाँ से भी शुरू हो। लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के लिए बहुत बड़ी अचानक प्रॉपर्टी आपके हाथ आने के लिए, ये यहाँ से शुरू होती है, इसको मरीख मुस्बत बोलते हैं, और ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे, आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये अगर यहाँ से निकले तब भी प्रॉपर्टी के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ से निकले ना मरीख मुस्बत से तो यहाँ तक पहुँचे तो फिर 100% आपके पास दौलत आएगी, ऐसी बात नहीं है। और अगर किस्मत की लाइन से ऐसे कोई लाइन यहाँ से निकलती है और ये भी इसी की तरफ ट्रेवल कर जाती है इस तरह, और फिर एक किस्मत की लाइन यहाँ से एक लाइन निकल के उबारे मुश्तरी की तरफ चली जाती है, तो ऐसी लाइनें बिल गेट्स के हाथ में देखी जा सकती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अमीर होने की, बहुत ज़्यादा दौलतमंद होने की ये आप कह सकते हैं कि ये अलामत हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि किस्मत की लाइन के साथ अगर आपको स्क्वायर नज़र आ जाते हैं, ऐसे स्केयर नज़र आते हैं, ऐसे स्केयर नज़र आते हैं, मुश्तरी के उबार पे स्केयर नज़र आते हैं, या आपको तकोन नज़र आती है उबारे ज़हरा पे भी, अगर आपको तकोन नज़र आ जाए यहाँ पे भी, अगर तकोन नज़र आ जाए तो ये भी प्रॉपर्टी मिलने की अलामत है। यहाँ पे आपको लाइनें ना मिल जाएँ दो तीन, या यहाँ पे आपको स्क्वायर या ट्राई एंगल मिल जाए, ये भी प्रॉपर्टी की अलामत है। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, 100% जो है ना वो आपको दौलत मिलेगी अगर ये शम्स लाइन के साथ आपका यहाँ पे एक इस साइड पे बन जाए, यहाँ पे छोटा सा बन जाए, या इसी के साथ ये नीचे भी आ जाए, ये अगर इस तरह का एक निशान भी बन जाए ना, स्क्वायर बन जाए, तो ये 100% आपको 40 से 50 साल की एज में आपको 100% बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलने की चांसेस हैं, लॉटरी भी लग सकती है, बहुत बड़ी दौलत भी आपको मिल सकती है, तो ये भी यहाँ पे। और अब सबसे जो लास्ट मसला है ना वो ये आता है कि ये प्रॉपर्टी मिलेगी आपको कब, ये इसकी ये यहाँ जी अक्सर होता है ना कि प्रॉपर्टी तो मिलेगी, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये बताएंगे मिलेगी कब, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के साथ
यहाँ पे आपको इस तरह की ट्रायंगल के निशान मिल सकते हैं, इस तरह के, उनकी कोई भी हल्की सी शेप हो सकती है, इस तरह भी हो सकते हैं। तो याद रखें, अगर ये बिल्कुल ज़िंदगी की लाइन इस तरह यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पे अगर गॉर्डियन लाइन पे आपको ये स्क्वायर के ये ट्रायंगल के निशान नज़र आते हैं, यहाँ पे कोई ट्रायंगल का निशान नज़र आता है, यहाँ पे ट्रायंगल का निशान बन जाता है। इसी तरह किस्मत की लाइन पे भी ट्रायंगल का निशान आपको कहीं कहीं बना नज़र आ रहा है। तो ज़िंदगी की लाइन असल में शुरू होती है ऊपर की तरफ से। अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल नज़र आती है, यहाँ तक तकरीबन एज बनती है तकरीबन 20, 22, 24 साल। तो 20, 22, 24 साल की उम्र में आपको अगर ट्रायंगल का निशान यहाँ बना हुआ है तो इस एज में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर ये यहाँ पे नज़र आता है तो ये तकरीबन 35-40 के करीब बनती है एज, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर ये थोड़ा सा और नीचे अगर आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल का निशान नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन नियर अबाउट 50 साल की एज के करीब आपको लाजमी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो आप मेरी अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।